हे गाइस, वेलकम बैक। सो इसके अंदर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर टू डिस्कस करेंगे। पेपर वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने चाहिए थे। अटेम्प्ट तो पूरा ही करना होता है पेपर, बट थोड़ा पेपर ईजी था या टफ था, और वो चीज़ भी हम देखते रहेंगे क्वेश्चन कैसे थे। इससे पहले फिर से बता देता हूँ, देखिए 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। सेक्शन दो होते हैं, सेक्शन ए और बी। ए फर्स्ट सेक्शन में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड में भी 5, 6, 7, 8, यानी कि चार चार क्वेश्चन होते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो अटेम्प्ट करना ही करना होता है। उसके बाद इसमें से बचे हुए टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपके पास है, 5 करने हैं, जिसमें से दो तो यही हो गए। 3 बचे हुए क्वेश्चन को दो आप एक कोई भी पार्ट से कर सकते हैं और एक दूसरे पार्ट से, या तो इससे आप दो करेंगे तो इससे आप एक करेंगे, या इससे आप दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इससे एक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक पार्ट से 3, एक से 2, और एक एक कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही करना है, और 150 वर्ड्स में लिखना है, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का हो गया, और 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं तो 50 × 5, ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर है, और 250 आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये बोलते हैं गवर्नमेंट नेक्स्ट डोर इज द गवर्नमेंट दैट मैटर्स मोस्ट फॉर द पीपल, यानी कि जो आपके बिल्कुल घर के पास जो गवर्नमेंट है वो मैटर ज़्यादा करती है। डिस्कस द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो आपको 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, इसका रेफरेंस भी देना है, और आपको बताना है कि कैसे जो इसका रेफरेंस देते हुए क्या बताना है कि कैसे जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सब डिस्कस करना है आपको। ये इंडिया के रेस्पेक्ट में है, आप वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बट ये मोस्टली जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो ये आप मोस्टली आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही समझाना है। पार्ट बी है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन द फिलोसफी फॉर द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इज एट ऑड विद द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया। क्रिटिकली एनालाइज करना है जो फिलोसफी है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की। वेस्ट मिनिस्टर कौन सा मॉडल है, जो यूके का मॉडल है जो हमने लिया है, यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट्री मॉडल जो है, प्रेजिडेंशियल नहीं, पार्लियामेंट्री मॉडल जो है। तो ये बोलते हैं फिलोसफी ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इज एट ऑड्स विद द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डिस्कस करनी है कि राजनीतिक जो है, आज की राजनीतिक संस्कृति से जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल यानी कि पार्लियामेंट्री जो हमारा मॉडल है वो मेल नहीं खाता, ठीक है। तो ये आपको बताना है इंडिया के कल्चर से, यानी कि राजनीतिक जो संस्कृति है हमारे इंडिया की वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है उससे मेल नहीं खाती। इसको आपको डिस्कस करना है, यानी कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि आपको 60% आपको ये बताना है कि नहीं मेल खाता है, या 70% आपको क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि जो स्टेटमेंट बोली है उसके अगेंस्ट में आपको बोलना है। तो आप 70% यही बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कल्चर के हिसाब से भी मेल खाती है, और 30% आप कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं, नहीं किस किस पॉइंट पे मेल नहीं खाती है, राइट। इसके बाद देखिए पार्ट थर्ड है, ये पूछते हैं द अटैच्ड ऑफिसेज एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेज आर इंटीग्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये बोलते हैं अटैच्ड ऑफिस जो होते हैं और उसके बाद सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग के लिए। तो इसकी फंक्शनिंग कैसे काम करेगी, ये दोनों ऑफिसेज के बारे में थोड़ा आपको बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए डी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का पार्ट डी को है, फर्स्ट पार्ट का। ये बोलते हैं इट इज एप्रीहेंडेड दैट लेटरल एंट्री विल लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डू यू एग्री विद जस्टिफाई। लेटरल एंट्री का तो क्वेश्चन आना ही आना था, इस बार डिबेट में था, तो वही बताना है कि क्या जो लेटरल एंट्री है कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिसाइजेशन कर देगी। तो ये बताना है डू यू एग्री, जस्टिफाई करना है। तो आपको दोनों चीज़ बतानी है इसके अंदर, पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं। तो आप 50-50 कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों अच्छा रहेगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। तो इसको तो आप पॉइंट फॉर्म में भी डील कर सकते हैं, 150 मार्क्स का है तो 70-75 मार्क्स एक पॉइंट पे लिखिए, और 70-75 आप दूसरे उस पर लिख सकते हैं, और एक या दो लाइन का कंक्लूजन, यानी कि देखिए पॉजिटिव कंक्लूजन जो होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए आपका, और इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, दो लाइन का इंट्रोडक्शन, दो का कंक्लूजन, और बची हुई लाइनें आप इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं लेटरल एंट्री का। ई देखिए ई पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग
out task without effective accountability mechanisms can be counterproductive for effective service delivery. ये कहते हैं कि contracting out task without effective accountability, यानी कि आप किसी चीज़ को ठेके पे दे देते हैं किसी कार्य को, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट को दे दिया, तो लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं आपने मेंटेन की कि इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी, जैसे रोड बनवा लिया आपने, ठीक है, लेकिन रोड 10 साल चलना चाहिए लेकिन रोड 5 साल ही चला, तो आपने कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी निर्धारित नहीं की ठेकेदारों के साथ कि ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, 10 साल चलना ही चाहिए, नहीं चलेगा तो आपसे यानी कि आपके ऊपर उस चीज़ का जुर्माना लगेगा या आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी. तो ये कहते हैं कि कौन, ये बोलते हैं कि कार्यों के ठेके दे पर देना प्रभावी सेवा संप्रदान में उल्टा नुकसानदेह हो सकता है, राइट, बात समझे. यानी कि आप कोई भी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी आप है, अगर वो ठेके पे देती है गवर्नमेंट और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करती कि आपको ये इतने साल चलना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो हो सकता है और ये इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी नहीं होगी इसके तहत. समझ गए बात को, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको तो आराम से डील किया जा सकता है. 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, कोई भी जो ऐसा मॉडल है जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट है. क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है, देखिए, द मार्केट ड्रिवन प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न हैव शेकन द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डू यू एग्री. ये बोलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है प्रॉफिट मेकिंग का ही काम रहता है, तो ये बोलते हैं मार्केट ड्रिवन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसने जो पब्लिक सेक्टर की फाउंडेशन है उसको ही बिल्कुल हिला के रख दिया. आप इसे एग्री करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए. अब ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी से लिख सकते हैं कि पहले क्या हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस लिए काम आती थी, जो कि देश के यानी कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना या सारी चीज़ों के लिए. लेकिन आज क्या है, पीएसयू को आपको इतना टारगेट्स होंगे, पीएसयू को, पीएसयू भी जो है इनकी मान लीजिए कि 80% जो है पूरा प्राइवेट की तरह ही काम करने लगी है और मार्केट की तरह प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करनी पड़ी है, कर रही है आजकल, ठीक है. आप कहीं भी देखिए पीएसयू में आजकल प्राइवेट जैसा ही सिस्टम हो गया है, तो इसमें आप बताना है कि क्या ऐसा हो गया है, रीजंस देने की जरूरत है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, देखिए, इट इज आर्ग्यूड दैट नीति आयोग हैज ब्रोकन द एडिफिक ऑफ प्लानिंग इन टू फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो प्लानिंग थी उसको फ्रेगमेंट से डिवाइड कर दिया. पहले क्या होती है, 5 ईयर प्लानिंग होती थी हमारी, अब नीति आयोग ने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन हो गया प्लानिंग का कहीं ना कहीं. तो उसके ऊपर कमेंट करना है आपको. ये भी 20-20 मार्क्स के हैं ये दोनों क्वेश्चन. इसके बाद ये 10 मार्क्स का है पार्ट सी. इसके अंदर बोलते हैं अटोनमी ऑफ सिविल सर्वेंट इज क्रूशियल फॉर रेस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. तो ये बोलना है कि अटोनमी जो होती है सिविल सर्वेंट की, वो क्रूशियल होती है किस लिए, रेस्पॉन्सिव और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है. तो ये आपको डिस्कस करना है, ये एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को, और ये 10 मार्क्स का है. तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे अटोनमी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो वहाँ पे अटोनमी कैसी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, किसकी, सिविल सर्वेंट की, क्रूशियल होती है रेस्पॉन्सिव और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो ये आप अच्छे से डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 3 पार्ट है, ठीक है, 2 20-20 नंबर के हैं और एक 10 नंबर का है. ए पार्ट देखिए क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स. तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है काफ़ी बार, एडिटोरियल के वीडियो के अंदर इसको पढ़ा था कि क्या क्या क्राइटेरिया है 15th फाइनेंस कमीशन के. और ये बता रहे हैं वट हैव बीन द मेजर इशू ऑफ कंटेंशन सीन्स द 10th फाइनेंस कमीशन. तो 10th फाइनेंस कमीशन के बाद से क्या क्या मेजर इशूज आए हैं, तो ये भी डिस्कस करना है. 20 नंबर का पार्ट था, तो 10 नंबर में आप ये बताएंगे क्या क्या मेजर इशू थे 15th फाइनेंस कमीशन में, और 10 नंबर में आप 10th फाइनेंस कमीशन के बाद बाद क्या क्या इशूज आए हैं, तो वो आपको ये 20 मार्क्स में बताना है, ठीक है. इसके बाद देखिए पार्ट बी है इसका, इज द कोएलिशन इरा विद एल्यूजिव मेजोरिटी ऑफ ए सिंगल पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेचर द रोल ऑफ द गवर्नर बिकम इवन मोर चैलेंजिंग. ये बोलते हैं कि कोएलिशन एरा में, ठीक है, विद एल्यूजिव मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी जब नहीं होती, ये समझ लीजिए एक तरह से, यानी कि राज्य विधानमंडल में गठबंधन के काल में एक अकेली पार्टी का भ्रांतिजनक बहुमत, ठीक है, यानी कि ऐसा यानी कि मेजोरिटी आई लेकिन प्योर मेजोरिटी नहीं आई, ठीक है. बहुत से केसेस में आप देख रहे होंगे जो ऐसा सीनेरियो आ रहा है कुछ कुछ स्टेट में कि मेजोरिटी तो मिलती है लेकिन प्योर मेजोरिटी नहीं मिलती, और उसके ऊपर फिर जैसे गुजरात का केस देखिए, ठीक है, गुजरात में मेजोरिटी नहीं आई, प्योर मेजोरिटी नहीं आई, तो इस वजह से कैसा इशू देखने को मिला था. उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड का. तो ये एग्जांपल्स देने आपको, उससे आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आंध्र प्रदेश में देख लीजिए अभी किस तरह का पूरा विवाद हुआ और कांग्रेस के जो MLAs थे उनको कैसे बंदी बना, यानी कि पूरा होटल के अंदर रखा, कितनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वहीं की बात बता रहे. तो उसी के बारे में पूछ रहे कि गवर्नर का रोल बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं. देखिए एक तो होता है कोई बोल रहा है कि मैं सरकार बना रहा हूँ,
तो क्या उसको इनवाइट करें या फिर जो लार्जेस्ट जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा है उसको इनवाइट करें? तो इसलिए जो है चैलेंज ज़्यादा हो गया है, इसी को डिस्कस करना है आपको, ये एग्जाम्पल के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं करंट एरा में। इसके बाद पार्ट सी है इसका, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एडवोकेट सेल्फ सस्टेनिंग कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट है ये कहते हैं कि एडवोकेट करता है कि सेल्फ सस्टेनिंग एक कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस पे कमेंट करना है आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखिए ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग है, ये बोलते हैं क्लाइमेट चेंज इशू पोज न्यू चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू बी प्रोएक्टिव। इलैबोरेट करना है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है एक नया चैलेंज लेके आ रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसको देखिए दो चीज़ों में डील करेंगे, हर बार क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट एंड क्या डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों जो इश्यूज हैं ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं। अगर आप पेड़ काटेंगे तो डेवलपमेंट करना जरूरी है पेड़ काटने के लिए, लेकिन पेड़ काटेंगे तो एनवायरनमेंट को फर्क होगा। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये नया चैलेंज है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ रहा है और ये बहुत ही प्रोएक्टिव है नया चैलेंज, ठीक है। तो इसको जो इशू है कैसे डील करना चाहिए, ये सब आप इसके अंदर 20 नंबर के अंदर डील कर सकते हैं। ये तो पूरा जीएस का ही क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। इसके बाद देखिए पार्ट बी है, ये कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच टू ए लार्जर एक्सटेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रही, इस वजह से जो है जुडिशरी को ओवररीच करना पड़ रहा है, जुडिशरी को अपनी पावर से बाहर आना पड़ रहा है, जुडिशरी को लॉज बनाने पड़ रहे हैं। डायरेक्टली लॉज तो नहीं, लेकिन ऐसी जजमेंट देते हैं वो लॉज के बराबर ही होती हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ये काफ़ी इस चीज़ पर आर्टिकल आते हैं द हिंदू के अंदर जुडिशियल ओवर रीच के, कि कैसे जो है एग्जीक्यूटिव है वो इनफेक्टिव हो गई है, इस वजह से जुडिशरी को इसके अंदर आना पड़ रहा है। और लॉज यानी लॉज बनाते नहीं डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली ऐसे जजमेंट होते हैं, जैसे कि आप ऐसे जजमेंट, जैसे उत्तराखंड के अंदर जजमेंट दिया था कि आप पॉलिथीन यूज नहीं करना, बट ये जो ऐसे आप जजमेंट देते हैं ये आपका काम नहीं होता, जुडिशरी का काम नहीं होता। जुडिशरी का काम है देखना कोई लॉ बनाया है कि वो ठीक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। लेकिन इस तरह के बहुत से डिसीजन लेती है जुडिशरी, तो जो ओवर रीच माना जाता है कि ये ओवर रीच है। तो आपको लास्ट में कंक्लूजन में यही बोलना है कि जुडिशियल ओवर रीच ठीक नहीं है। जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर तीनों बॉडी अलग अलग काम करती है, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जो जुडिशरी है, तो तीनों में जो है एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो हम अलग नहीं कर सकते तीनों को, लेकिन दो तीनों को अपने जो रोल है फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट सी है ये, इसके अंदर बोलते हैं इन द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट लेड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। ये बोलते हैं कि पहले क्या स्टेट लेट इकोनॉमी होती थी, जैसे पूरा स्टेट ही डिसाइड करेगा इकोनॉमी को, पूरा स्टेट जैसे पीएसयू वगैरह हो गई, लेकिन आज क्या मार्केट इकोनॉमी हो गई है, ठीक है। तो ये बोले इंडिया शुड रिलाई मोर ऑन इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग पे इंडिया को ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। डू यू एग्री विद, अब इंडिकेटिव क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग में यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि हम क्या प्रोड्यूस कर क्या करना चाहिए, मार्केट को कैसे चलना चाहिए, लेकिन उसकी उसकी जो फंक्शनिंग में उसमें कोई यानी कि इशू क्रिएट नहीं करती, तो मार्केट को कहीं ना कहीं फ्री हैंड दे दिया जाता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। सिर्फ इंडिकेशन दी जाती है कि पूरे जो हमारे गवर्नमेंट है इसका एम क्या है, ठीक है, और मार्केट उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं होती। ये इंडिकेटिव प्लानिंग पूरी एक पूरा टॉपिक है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट है, ये कंपलसरी 5 क्वेश्चन है, 5वां अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन द एनेबलर्स एंड फैसिलिटेटर आर येट टू रिप्लेस द इंस्पेक्टर एंड कंट्रोलर और इन द सिविल सर्विसेज इंडिया, डू यू एग्री? देखिए हमारे गवर्नमेंट का क्या एम है या हम क्या मानते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसके अंदर भी बोला है कि जो हमारा सिविल सर्वेंट है या ब्यूरोक्रेसी है उसको एक तरह से एनेबलर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी कि वो अनेबल करे, फैसिलिटेट करे किसी भी काम को। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर राज टाइप जो है, ये क्या है कह रहे हैं कि अभी भी जो इंस्पेक्टर राज चलता था या कंट्रोल करते थे, जो सिविल सर्वेंट कंट्रोल करके हर चलते हैं हर चीज़ को, वो कह रहे हैं आज भी जो इसमें फैसिलिटेटर और एनेबलर नहीं बन पाए हैं। तो क्या आप इसी से एग्री है, जस्टिफाई करना है इस चीज़ को, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखिए फिफ्थ का बी पार्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नीड्स लीगल बैकिंग बट इट ऑल्सो रिक्वायर इंक्रीजिंग अवेयरनेस फॉर इट टू बिकम ए रियलिटी। ये कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसको लीगल बैकिंग की जरूरत तो है ही, मगर इसके लिए रिक्वायर इंक्रीजिंग अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, आज भी बहुत से आपको पता है घर में लोग बैंक अकाउंट नहीं है, जनधन योजना का इसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये बोल रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन को लीगल बैकिंग तो है, ठीक है, नए नए सिस्टम खोले जा रहे हैं, अभी नया आपको पता है नई स्कीम जो स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने,
ठीक है, जिसमें पोस्ट ऑफिस जो होगा वो पोस्ट ऑफिस के तहत भी आप जमा करा सकते हैं पैसे, सेविंग की तरह काम करेगा पोस्ट ऑफिस आपका। तो इस तरह की नई स्कीम लॉन्च की थी अभी प्राइम मिनिस्टर, तो वो सब रेफरेंस दे के आप बता सकते हैं कि लीगल बैकिंग तो है ही, ठीक है, लेकिन आज भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों की जो मिथ्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उनको ख़त्म करने का और जो है लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिस्टम में लेके आने का। पार्ट थर्ड है देखिए जेंडर बजटिंग से, बोलते हैं जेंडर बजटिंग रिक्वायर्स रीथिंकिंग बियॉन्ड एलोकेशन टू बिकम ए पावरफुल टूल ऑफ जेंडर मेन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। ये बोलते हैं कि जेंडर बजटिंग हम करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक जेंडर के लिए जैसे विमेन के लिए एलोकेट किया जाता है कि रिसोर्सेज इतना है जो विमेन को फिक्स होगा कि किसी ना किसी विमेन से रिलेटेड स्कीम में ही जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इसको दोबारा सोचने की जरूरत है, सिर्फ एलोकेशन नहीं करना कि इतना फंड एलोकेट कर दिया, इसके लिए पावरफुल टूल होना चाहिए जिससे कि जेंडर को मेन स्ट्रीमिंग में लाया जा सके, ठीक है, यानी कि जो विमेन है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके सिस्टम में। तो इसको डिस्कस करना है, अभी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ का ये पार्ट फोर है सोशल ऑडिट से, सोशल ऑडिट हैज लेंट ए क्रिटिकल एज टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम सच एज मनरेगा, ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है कि सोशल ऑडिट किस तरह है जो मनरेगा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक क्रांतिक धार, ठीक है, यानी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल एज है, ठीक है, ये बताना है आपको, ये पार्ट फोर है यानी कि डी पार्ट है और ये भी 10 मार्क्स का है। इसके बाद पार्ट फाइव है, देखिए भी कंपलसरी क्वेश्चन में है, द आसफा डिबेट रिवील्स दैट इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्सेस आर कोट बिटवीन द इंपेरेटिव्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए ये क्यों क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो क्वेश्चन आसफा का आता ही रहता है, लेकिन अभी एक विवाद हुआ था आपको पता है, कुछ जो मिलिट्री के थे वो BSF वगैरह के वो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे जो आसफा आप ले रहे हैं, आसफा के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि आसफा के अंदर भी आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अत्याचार कर सके, ह्यूमन राइट्स किसी का वायलेशन करेंगे, तो उसी के ऊपर बोले कि नेशनल सिक्योरिटी भी है और एक प्रोटेक्शन भी करना है ह्यूमन राइट्स को, तो उसके बीच में फंस गया कहीं ना कहीं आसफा के जो डिबेट है, तो उसको आपको पूरा 10 मार्क्स में इसको एग्जाम्पल दे के पूरा, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे सकते हैं, करंट एक साल का ही, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि ये साल में इस चीज़ पे कुछ इशू नहीं हुआ जो आप नहीं बता सकते थे, और आप हर चीज़ में अगर एग्जाम्पल डालेंगे तो सपोज कीजिए आपको 10 में से एग्जामिनर 4 मार्क्स दे रहा है तो आपको 5 मार्क्स देगा, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, या आधा मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, और आधा 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 मार्क्स का मतलब है कि 20 क्वेश्चन है तो आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 10 का मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोलता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कंपिटेंसी मैपिंग की यानी कि कौन कितना कंपिटेंट है इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है। डू यू थिंक दैट द जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन हैंडल ऑल द इशू इफेक्टिवली एज ए स्पेशलिस्ट, तो ये जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का डिबेट है उसके ऊपर ही है कि क्या जर्नलिस्ट जो है सारी जो इश्यूज है उनको अच्छे से इफेक्टिव हैंडल कर सकते हैं या स्पेशलिस्ट कर सकता है, तो ये पूरा इशू है, आपको इसको अच्छे से बता सकते हैं। ये डिबेट भी रहता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए सभी फील्ड से कोई भी आके UPSC का सिविल सर्विस का पेपर दे सकता है। इसके बाद देखिए पार्ट बी है, इसका रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हैज़ नॉट बीन मेड ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम पॉल एप्पल बाय रिपोर्ट, डू यू एग्री, इसके रीजन बताना, तो पॉल एप्पल बाय रिपोर्ट में के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जो रिकमेंडेशंस है, बहुत से कमीशन रिकमेंडेशन दी, 2 ARC भी आ गई हमारी, ठीक है, और डिफरेंट जो रिकमेंडेशंस आई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रिगार्डिंग, ये बोल रहे हैं हैड नॉट मेड ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द पॉल एप्पल बाय रिपोर्ट, तो जो पॉल एप्पल बाय ने जो रिपोर्ट दी थी उसी रिपोर्ट को कहीं ना कहीं ये इसी में सारे जो रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सभी कमीशन ने वही चीज़ें बार बार रिपीट की है, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिपार्चर नहीं है, क्या आप चीज़ से एग्री करते हैं तो रीज़न बताइए। तो पॉल एप्पल बाय की सपोज कीजिए आपको 5 चीज़ें पता है क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो 5 पहले वो बताइए और फिर 2 या 3 कमीशन का नाम लीजिए कि इन्होंने भी यही चीज़ बताई है, यानी कि कुछ रेडिकल चेंज नहीं आया, इसलिए आप रीज़न देके वो चीज़ बता सकते हैं। पार्ट सी है इसका, देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स एंड मेजर टू एंश्योर दैट गोल आर अचीव्ड एफिशिएंटली। ये बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये रिक्वायर यानी कि रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें और मेजर टू एंश्योर दैट द गोल आर अचीव्ड, और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो गोल है यानी कि उसको अचीव किया गया है एफिशिएंटली, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, तो ये इसको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इसका पार्ट ए है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव फेल्ड टू
इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें तीन चारों का नाम बताइए, ठीक है, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम है और कैसे ये फेल हो गए हैं, जो फार्मर्स का इशू है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का इशू है, उसको डील करने में एनालाइज करना है विद सजेशंस, और उसके बाद फिर आपको सजेशंस भी देना है कैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी है सेवन्थ का, ये भी 20 मार्क्स का है, ये बोल रहे हैं कि इन द नेटवर्क एरा द ट्राई है चैलेंजिंग टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेट न्यूट्रलिटी फ्रॉम डिजिटल एग्रेशन। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के बारे में है, अगर आपने ये टॉपिक लास्ट टू लास्ट ईयर ये डिबेट में था, दो साल पहले की बात है, अभी तो ये कम हो गया है, तो नेट न्यूट्रलिटी का ये कॉन्सेप्ट है और जिसको प्रोटेक्ट किया है ट्राई ने। देखिए नेट न्यूट्रलिटी में क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप नेट को, यानी कि ये फेसबुक के कॉन्सेप्ट लेके आया था कि हम फेसबुक है जो फ्री कर देंगे और इतने इतना फ्री होगा, यानी कि इंसान को इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ ने बोला कि जो साइट्स हैं इतना, यानी कि इस साइट्स पे इतना आप एक्सेस करते हैं तो पैसा लगेगा, यानी कि इन साइट्स पे नहीं लगेगा, तो ये पूरा नेट न्यूट्रलिटी का इशू था। तो उसी से रिगार्डिंग ये पूछा कि कैसे जो नेटवर्क एरिया में जो ट्राई के पास ये चैलेंजिंग टास्क है कि प्रोटेक्ट करना नेट जो है न्यूट्रल रहे, सभी के लिए न्यूट्रल रहे, ठीक है, कोई भी कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकता है, तो ये डिजिटल एग्रेशन से इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी ट्राई, इस पर कमेंट करना है आपको। सेवन्थ का थर्ड पार्ट है, देखिए नेबरहुड मैनेजमेंट प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट ग्लो लोकल, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ग्लो लोकल जो है यानी कि ग्लोबल और लोकल जो दोनों होता है इसके बनाया ग्लोकल, ठीक है। तो बोलते हैं नेबरहुड मैनेजमेंट प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट ग्लोकल स्ट्रेटेजी ऑफ डीलिंग विद सोशल एक्सक्लूजन इन द अर्बन डेवलपमेंट सिनेरियो कमेंट। तो ये बता रहे हैं कि जो नेबरहुड मैनेजमेंट है ये प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट, ये जो है एक अप्रोप्रिएट हमें स्ट्रेटेजी देती है कि ग्लोबल और जो लोकल जो इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे उनसे डील किया जाए, जिस किस लिए सोशल एक्सक्लूजन जो होता है अर्बन डेवलपमेंट जो एरिया होता है उसके अंदर, ठीक है, या अर्बन डेवलपमेंट सिनेरियो जो है उसमें, तो ये पूरा बताना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट है, देखिए इसका एट का पार्ट वन है, ये भी सब सारा सेम फॉर्मेट है, 20-20-10। देखिए पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, यानी कि अगर ये बात पहली स्टेटमेंट बोलते हैं कि इफेक्टिव पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, अगर पब्लिक का जो ग्रीवांस है उसको प्रॉपरली रिड्रेस करना है तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं बट प्रोसेस री इंजीनियरिंग कैन हेल्प प्रिवेंट सम ग्रीवांसेज, लेकिन अगर कुछ प्रोसेसेस में भी आप चेंजेस कर देंगे तो उससे अपने आप ग्रीवांसेज चेंज हो जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई ग्रीवांस है, कोई चीज़ है कि जो कोई भी काम है, बैंक का काम है या कोई आप पब्लिक सेक्टर में जाइए, सपोज कीजिए लाइसेंस का काम है, लाइसेंस का काम में क्या है कि 15 दिन में बनना चाहिए, ठीक है, मान लो नॉर्मल 30 दिन बनता है, लेकिन इन्होंने ऐसा सिस्टम में चेंज कर दिया कि 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा, इस तरह के कुछ री इंजीनियरिंग कर दिया, तो ये बोल रहे ग्रीवांसेज है उनसे काफ़ी ग्रीवांसेज खत्म हो जाते हैं इस तरह की री इंजीनियरिंग से, तो ये डिस्कस करना है, कुछ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें। इसके बाद पार्ट बी है इंस्टीट्यूशनल चेंजेज इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशियंट कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशन में तो चेंजेस करने की जरूरत है ही, बट ये नेसेसरी है, मगर ये नहीं है कि सिर्फ इसी से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एग्जामिन करना है। अभी देखिए जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हर टॉपिक में आप जो एक साल के इवेंट हुए उनको डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया कि सभी स्टेट्स को बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ये पहली बात, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल जिनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्जेस है पॉलिटिक्स, उनको जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, और 6-7 स्टेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं। सेकंड चीज़ बोली थी कि अभी जो यानी कि किसी के खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल मुकदमा है तो उसको अभी इस इलेक्शन से भी, नए जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी राजस्थान और राजस्थान छत्तीसगढ़ और मणिपुर वगैरह में जो इलेक्शन होने वाले हैं एमपी के अंदर, तो इनके अंदर क्या होगा, अभी से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका कोई भी लेजिस्लेटर होगा या इलेक्शन जो लड़ रहा है, एमएलए हो गया या कोई भी जो लेजिस्लेचर है जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको अपना बताना पड़ेगा पूरा फॉर्म के अंदर कि मेरे पर कितने चार्जेस लगे हुए हैं, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, ये सब आपको ऑनलाइन साइट्स पे भी डालना होगा, पूरा मेंशन करना होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको खत्म करने का है। तो ऐसे ऐसे आपको स्टेप्स बताने कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म किया जा सकता है, आप 5-6 स्टेप्स बताएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद लास्ट पार्ट सी है, इसे बोलते हैं द डिसपावरमेंट एंड डी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैज हैपेंड इन मल्टीपल वे, कमेंट करना है आपको कि जो डिस एम्पावरमेंट है और डी पॉलिटिसाइजेशन है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वह हैज हैपेंड इन मल्टीपल वे, काफी वेज में ऐसा हुआ है, कमेंट करके बताना है आपको।
ठीक है, चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी और पेपर को डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा जो मे बी मेजर एरिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ही हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और अब जो भी देखिए कोई भी इवेंट आएगा तो मैं आपको धीरे धीरे बताता भी रहूँगा कि इसको उस टॉपिक से कनेक्ट कीजिए, इसको वहाँ से कनेक्ट कीजिए, ऐसे कनेक्टिविटी आपकी बनती जाएगी। तो देखिए इसको डील करना क्वेश्चन को बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन को डील करना कैसे आसान है, सबसे पहले आप पहले बताएंगे, जैसे यही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, सबसे पहले आप बताएंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या हैं, कौन कौन से हैं जो नेसेसरी हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि हाँ लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो सफिशियंट नहीं है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए वो आप बताएंगे, और फिर आप कुछ करंट ऐड कर देंगे, रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या कुछ ऐसा पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है। उसके बाद फाइनल जो कंक्लूजन आप है सेकेंड ARC की रिपोर्ट आपको पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको जो है फाइनल कंक्लूजन वहाँ से देना है कि हाँ सेकेंड ARC ने भी ये चीज़ें रिकमेंड की थी, तीन चार इनसे हटके बतानी है, ठीक है। तो ये ऐसे रिकमेंड करेंगे तो आपका यानी कि 20 में से 20 नंबर का है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 10 से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, 12 या 14 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।